चैत्र नवरात्रि के अवसर पर हिंदू समाज के प्रत्येक घर में मां भगवती की स्थापना की जाती है और परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनोकामना मांगी जाती है। इसी श्रृंखला में उत्सवों की नगरी कोसी कला में आदि देवी राजराजेश्वरी मां भगवती, पथवारी मंदिर कैला देवी, काली मंदिर में भव्य फूल बंगले सजाए जाते हैं। शनिवार की रात पथवारी देवी मेला कमेटी के तत्वावधान में शाम 6 बजे से सुंदर झांकियां निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए मंदिर पर पहुंची। वहां मंदिर में देसी विदेशी फूलों से सुसज्जित फूल बंगले के दर्शन कराए गए। वहीं राजराजेश्वरी भगवती मंदिर पर भगवती मंडल द्वारा आकर्षक नक्काशी से जड़ित फूल बंगले में बैठी देवी मां के दर्शन कर भक्तजन मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं मंदिर में बज रहे माता के भजनों को सुन महिला भक्त नाचते गाते भक्ति में सराबोर हो गईं। पथवारी कमेटी के अध्यक्ष रामकिशन फलेनिया ने बताया कि नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की भव्य झांकी निकाली गई एवं साथ में राधा रानी की झांकी व राम बाबा की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं भगवती मंडल के विवेक अग्रवाल सहित अन्य लोगों ने जानकारी देते हुए बताया, सब्जी का फूल मंगला बनाया गया है, हर तरह का भोग लगता है मैया को, सबसे बात फूल मंगला सब्जी का बनाया गया है। कल का बहुत भव्य दर्शन होंगे, कल भी आपको हरिद्वार तीज के माता रानी बहुत अच्छा बंगले बन रहे हैं इस भगवती मैया के। पथवारी मंदिर पर जो मेला है बहुत अच्छे फूल बंगला सजे हुए हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छी यहाँ पे जो कोसी नगर की माँ पे बहने दर्शन करने के लिए आती है। आज पथवारी मंदिर पर मैं भी दर्शन करने के लिए आया, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवती, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त चैत्र के नवरात्र चल रहे हैं, साल में 4 बार नवरात्र आते हैं जिसमें चैत्र नवरात्रों का बहुत महत्व है। तो हमारी कोसी कला में राजराजेश्वरी माँ भगवती विराजमान है, हर साल की भांति इस बार भी नवरात्रि का मेला पूरे जोर शोर से भव्य रूप से आयोजन किया जा रहा है। पूरे 9 दिन भव्य फूल बंगला और प्रसाद का आयोजन होता है और नौवीं वाले दिन 56 भोग का आयोजन होता है। सभी क्षेत्रवासी, आसपास के शहर के, आसपास के गांव के सभी लोग इस मेले का आनंद लेते हैं तथा पूरे भक्ति भाव से माता के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज चौथा नवरात्र है माता जी का और बहुत ही भव्य फूल बंगला सजा हुआ है, बहुत ही भव्य दर्शन है। पूरी कृपा माता जी की हमारी कोसी कला पर, हमारे सभी क्षेत्रवासियों पर रहती है और सभी क्षेत्रवासियों का इस पूरे आयोजन में भरपूर सहयोग रहता है। उनकी कृपा से हम कुछ लोग इकट्ठा होकर इस मेले का आयोजन करते हैं आपसी सहयोग से, आपसी सामंजस्य से, और यही प्रार्थना करते हैं कि पूरे क्षेत्र पर सभी लोगों पर माता की कृपा बनी रहे।